नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं समाचार की ओर। मुगराबाद शाहपुर में लाल बहादुर यादव को एक बार पुनः जौनपुर जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सपा कार्यकर्ताओं में दिखी खुशी की लहर। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी से जुड़े राजेश पांडे द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन कर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य व वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार गुप्त ने किया। संचालन एडवोकेट एपी सिंह कर रहे थे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों से जनता परेशान है। भाजपा मायावी रूप दिखाकर लोगों को गुमराह करती है। कार्यक्रम में राम अभिलाष यादव ने विरह गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर किया। कार्यक्रम आयोजक राजेश पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीति और नियत साफ है। पार्टी के कार्यकाल में वायदा नहीं विकास हुआ है। अरे सब जन के आंखों के पितारे ये अंक बनी के द्वारे सधारे। आपका स्वागत समारोह किया गया, क्या राजेश जी को कोई पद भी दिया गया पार्टी में या क्या कैसे? समाजवादी पार्टी में भी नियुक्ति हुई और समाजवादी पार्टी के जो भी समर्थन साथी थे सारे साथियों को लेकर के समाजवादी पार्टी को गतिशील बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है गठन किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपना सहयोग में मांग रहा हूँ। वो मांग रहा हूँ इसलिए समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज पूरे प्रदेश और देश की जनता ललचाई आंखों से देख रही समाजवादी पार्टी की तरफ और अपने को ठगी का शिकार महसूस कर रही है। वो इसलिए महसूस कर रही कि जो उसके बीच कहा गया वो किया नहीं गया। और समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज लोगों को वही जगाते हुए कहते हुए बताते हुए संगठन को और गति देते हुए अपने साथियों का अपना योगदान सहयोग लेते हुए ये हमारी निगाह नहीं, हमारी पलक नहीं, ये मुगराबाद शाहपुर के जितने भी सम्मानित साथी, जब से मैं आया हूँ 11:30 बजे से कड़ाके की ठंडे और बाबूजी कोहरा में आप बैठे रहे पलक निहारते हुए कि कब मैं स्वागत करूं। ये भाव में अपने लोकप्रिय जिला अध्यक्ष, अपने सेनापति माननीय जिलाध्यक्ष जी के सबसे लगल रहली। अभी स्वागत समारोह में अपने मुख से, अपने गायकी से लोगों का मन मुग्ध करने वाले आप जो है बहुत बढ़िया आपने गायक किया, स्वागत गीत किया। कुछ पंक्तियां हैं आपके पास? हाँ, मैं अपने जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जौनपुर लाल बहादुर यादव जी के स्वागत गीत के माध्यम से पार्टी की नीतियों, विचारों, किए हुए विकास कार्यों को गीत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अपने जिलाध्यक्ष जी के स्वागत गीत के भाव में मैं एक गीत गाया हूं कि बनी क्या बलम समाजवादी बचाला बर्बादी वतन के। धन्यवाद। में तो आपने अलग जगह दिया है, पूरे क्षेत्र में नाम रोशन किया है। क्या लग रहा है आने वाला चुनाव के लिए, चुनाव की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और क्षेत्र की पूरी जनता, पूरे देश को नववर्ष की मंगल कामना। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जनता अपने आप को छली महसूस कर रही है या जो भी वर्तमान सरकार जिस तरीके का कार्य कर रही है,
उसका परिणाम तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। मेरी समझ में कोई भी व्यक्ति अपना 25 पैसा हो चाहे 1 रुपया वो गिरने नहीं देता, लेकिन आज किसान जवान परेशान है, अपनी चीज़ों को रोड फेंक रहा है, आलू की खेती उसने किया इस ठंडक में उस आलू को निकाल रहा है और निकाल के अगर सड़कों फेंक रहा है तो इसका मतलब वो आक्रोशित है और वो आक्रोश का बदला वो लाठी तो चलाएगा नहीं, गोली तो चलाएगा नहीं, वो उस बटन को दबाएगा, उस बैलेट पेपर पर मुहर लगाएगा और वो क्या परिणाम आएगा कि जल्द। जिलाध्यक्ष आए थे, हमने उनका स्वागत किया, पार्टी में हम आए थे सिपाही तरीके से रहना चाहते हैं, न कि कोई पद, हमको पद की लालसा नहीं है, तो समाजवादी पार्टी कार्य करना चाहते हैं, हमको पद की आवश्यकता है। क्या कहना चाहते हैं आज कार्यक्रम के माध्यम से? आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी कुरीतियाँ हैं समाज में, जो प्रलोभन बीजेपी वालों ने दिया है उस पर काफ़ी कार्य नहीं हो रहा है। आज हम ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष के मार्फत से उनके साथ लेके एक धरना 17 तारीख को रखी गई है और धरना के माध्यम से प्रदर्शन से हम अपना कार्य करवाएं। देखिए किसान तो परेशान है इस सरकार में, पूरी तरह से सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों की है, वो पूरी तरह से महंगाई की मार झेल रहा है और हमारे जो इस समय सरकार की नीतियाँ हैं उससे परेशान है। आलू आप देख रहे हैं कि विधानसभा के सामने किसान फेंक रहा है, फेंकने पर मजबूर है, किसान तो बर्बाद हो गया है, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है, कर्ज माफ़ी के नाम पर उनको जो है कि बदनाम बेइज्जत करने का काम किया है, इसलिए जो है कि अब किसान और जवान ये सारे लोग व्यापारी मिल करके इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे, आगे आने वाले समय में मजबूती के साथ जवाब दें। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य 1 जनवरी 2018 को जो जिनकी उम्र 18 साल हो गई उनके नाम को बढ़ाने के लिए एक अभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम की तरफ से चल रहा है, कि जिसके लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने भी लोगों से अपील किया इस अपने नाम को मतदाता सूची में बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदाता होना आवश्यक है। अगर लोकतंत्र में भागीदारी चाहते हैं तो मतदाता सूची में अपना नाम अंकित कराएं, क्योंकि एक मतदाता सूची ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हथियार नहीं है तो लोकतंत्र में बदलाव किया जाना संभव नहीं है, इसलिए अगर सरकार को बदलनी है तो लोकतंत्र में भागीदारी के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए मैंने सभी लोगों से अपील किया कि अपना नाम मतदाता सूची में बढ़ाएं, और क्योंकि पार्टी की तरफ से BLA बूथों पर लगाए गए हैं, सरकार की तरफ से BLO लगाए गए हैं, फार्म 6 और 8, 9 उनको वितरित किए गए हैं, जिसके लिए हम लोग गहन अभियान चला रहे हैं और गहन मंथन करके मतदाता सूची में नाम बढ़ा रहे हैं। इस पर सभी लोगों से सहयोग भी मांग रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे